चलिए ड्रग्स केस से जुड़े ही एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बात कर लेते हैं। ड्रग्स पर कार्रवाई की आड़ में वसूली और नौकरी पाने के लिए गलत जानकारी देने के आरोपों से घिरे हैं। ऐसे में अब समीर वानखेड़े अपनी बेगुनाही साबित करने की हर कोशिश कर रहे हैं। धर्म और जाति को लेकर लग रहे आरोपों के सीधे किसी को जवाब देने के बजाय समीर वानखेड़े SC/ST आयोग की ही शरण में पहुंच गए। वानखेड़े ने आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला को सबूत सौंपे, जिसमें 1995 और 2008 का जाति प्रमाण पत्र दिया, जिसके मुताबिक वो हिंदू हैं और महार जाति से आते हैं। इसके अलावा वानखेड़े ने पहले बच्चे का जाति प्रमाण पत्र सौंपा, साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई पहली शादी और तलाक से जुड़े दस्तावेज सौंपे। माननीय चेयरपर्सन सर के सामने जो मेरी कंप्लेंट थी उससे भी चर्चा हुई और कुछ डॉक्यूमेंट दस्तावेज भी सबमिट किए। आपने जो है अपना 1995 का कास्ट सर्टिफिकेट भी दिया है, जिसमें आपकी जाति का जिक्र है। बहुत सारी चीजें दी हैं जो मैं अभी मीडिया के साथ डिस्कस कर रहा हूं। समीर वानखेड़े ने जो सबूत सौंपे उससे फिलहाल अनुसूचित जाति आयोग संतुष्ट दिख रहा है। उसका पहले का सर्टिफिकेट भी था जो उनके पिताजी के बेस पे भी बना था, और बाद में उनका अपना सर्टिफिकेट बाद में नौकरी लगने के बाद जो देते हैं वो भी दिया है। रजिस्ट्रार से मुंबई से उनके जो संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम मंगवाएंगे, और जल्दी उसके ऊपर जो है कोई भी अंकुश ना रहे उन सबको क्लियर करेंगे। NCP नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े की जाति, धर्म और नौकरी पर निकाह नामा जारी कर सवाल उठाए थे। आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने मुस्लिम होते हुए अनुसूचित जाति होने की गलत जानकारी देकर UPSC की परीक्षा में SC कोटे का फायदा उठाया और नौकरी हासिल की। इन्हीं आरोपों के बाद SC/ST कमीशन के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वानखेड़े का बचाव किया था। अब इसके खिलाफ नवाब मलिक राष्ट्रपति से शिकायत करने की बात कह रहे हैं। दाऊद वानखेड़े साहब के घर पे चले जाना और वहाँ पे मीडिया से संवाद करना, वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के आचरण रख सकता है, ये सारी चीजों का हम देश के राष्ट्रपति को शिकायत करेंगे, सोशल जस्टिस मंत्री को भी शिकायत करेंगे। धर्म और जाति के सवालों से घिरे वानखेड़े पर ड्रग्स केस में वसूली के भी आरोप हैं। सोमवार को SC/ST आयोग जाने के बाद वानखेड़े दिल्ली के RK पुरम में NCB के सामने दूसरी बार पेश हुए, जहां वानखेड़े से करीब 4 घंटे तक पूछताछ चली। ड्रग्स मामले में कई खुलासे करने वाले समीर वानखेड़े अब चौतरफा विवादों के घेरे में हैं। आरोप है कि वानखेड़े ड्रग्स पर कार्रवाई की आड़ में बड़ा वसूली नेटवर्क चला रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।